वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं लंबे बालों के लिए टॉवल बनाना। इसके लिए हमने ये टॉवल लिया है, इसकी हम लंबी घड़ी कर लेंगे और डबल, इसे डबल कर लिया है और ये लंबी हमने घड़ी कर ली है। इसे पगड़ी टॉवल भी बोल सकते हैं आप, लंबे बालों के लिए उपयोगी है। इसकी जो लंबाई है ये हम 30 इंच लेंगे। अगर यदि आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं अपने बालों की हाइट के अनुसार। यहाँ पर हम 31 इंच पे निशान लगा रहे हैं, 1 इंच सिलाई का हमने ज़्यादा लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है टॉवल की जितनी है ये हमने पूरी ले ली है, कम से कम ये 12 इंच होनी चाहिए। अब इसे हम यहाँ पर गोलाई का निशान लगा लेंगे, आधे में ही गोले का निशान लगाएंगे और जो हमने 31 इंच पे निशान लगाया है उसे हम पूरा सीधा निशान कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है और यूज करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इस एक टॉवल से दो टॉवल बना सकते हैं। ये खुला वाला भाग हम इधर रखेंगे और ये जो कटिंग करा हुआ भाग है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हम दूसरा इसका भाग बनाएंगे बचे हुए कपड़े से, उसे हम थोड़ा लंबा और बना रहे हैं ताकि किसी के बाल लंबे हों तो वो इस तरह से बना सकता है। इसे हमने बचे हुए कपड़े पर रख दिया है और हमने इस पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा जो बंद वाला भाग है वो उधर है और खुला भाग इधर आ गया है। अब इसे भी हम इसी तरह लंबाई में निशान हमने सीधा लगा लिया है और गोलाई का, इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसे हम कटिंग करने के बाद में जो भाग उधर बंद है उसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये हमारा एक टॉवल है और वो दूसरा टॉवल। अब बंद वाला भाग इधर है इसलिए हम इसकी भी कटिंग करेंगे, ये भाग हमें खुला रखना है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। जो गोलाई वाला भाग है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये जो खुला वाला भाग जो रहेगा, आप चाहे तो इसमें पूरे में इलास्टिक भी लगा सकते हैं, पर हम अभी यहाँ पर आपको ये बिना इलास्टिक का बता रहे हैं। ये जो कोना है वाला भाग है यहाँ पर हम 2 इंच का इलास्टिक लेकर उसे फोल्ड करके वो बंद बनाकर यहाँ लगा देंगे। अब जो ऊपर वाला भाग है गोलाई का उसके बीच सेंटर में हम बटन लगा देंगे। बटन लगाने के बाद ये बनकर तैयार है। अभी जो खुला भाग है यहाँ पर हम इलास्टिक लगा करके दूसरी तरह से भी इसे तैयार कर सकते हैं, वो भी यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो इसे कभी कोई कॉटन का कपड़ा हो तो उसे आप डबल फोल्ड कर भी इसे बना सकते हैं। ये बनकर तैयार है। अब हम इसे आपको यूज करना बता रहे हैं। इसे हम बालों पर ऐसे गोलाई वाला भाग ऊपर रखेंगे और इसे फोल्ड करते हुए पीछे जो हमने बटन लगाया है उसमें इसे हम इलास्टिक से लगा देंगे। इस तरह से ये पगड़ी टाइल बनकर तैयार है।